सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम करता हूं आप सब लोगों का न्यूज बॉय के इस चैनल में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बोल दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। सो गाइस, जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि आजकल विंटर चल रहा है और इस सीजन में हमें बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उसमें से एक्सीडेंट्स भी है, उसमें से सफोकेशन भी है और उसमें से आग लगना भी है, क्योंकि आजकल हम कांगड़ियों और भुखारियों का हीटिंग अरेंजमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और उनका साइड इफेक्ट ये होता है कि अचानक घर में आग लग जाती है जो कि फिर बहुत ज़्यादा फैल जाती है। ऐसा ही एक वाक़ा जो कि सिंगू में पेश आया, वहाँ पे बताया जा रहा था कि एक घर में आग लग गई और बाद में वो आग एक बड़े वारदात की शक्ल में उभरी, क्योंकि उस आग की लपेट में एक गैस सिलेंडर आया था जो कि वहाँ पे ब्लास्ट हुआ बाद में, जिसकी लपेट में शायद कुछ लोकल्स भी आए और वो भी शायद जख्मी हुए। तो ऐसी ही खबर जो कि शुपियां से आ रही है, वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि आग की लपेट में एक दो मकान आ गए जिनको रेस्क्यू करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं और लोकल्स उसमें नाकाम दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज, आज अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को कि इस विंटर में ज़्यादातर आग लगने के चांसेस होते हैं और एक्सीडेंट्स के भी चांसेस होते हैं और सफोकेशन के भी चांसेस होते हैं। सो आपसे इल्तिजा है कि अपने आप का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप सेफ रहेंगे तो आपके घर वाले भी सेफ है और आप खुद भी सेफ है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।